हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल। मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। साल 2023 में लगभग 15 लाख भारतीय सऊदी अरेबिया घूमने के लिए गए थे। ये कहने की जरूरत नहीं है कि 15 लाख अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है। बीते कुछ सालों में हम लोगों ने भी ये देखा है कि सऊदी अरेबिया अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहा है और उसके लिए अलग अलग सेक्टर और इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई किया गया है। उसमें से एक इंडस्ट्री है टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म इंडस्ट्री को सऊदी अरेबिया काफी डेवलप करना चाहता है। सो इस वीडियो में हम दो चीज के ऊपर फोकस करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा फोकस रहने वाला है कि किस तरीके से सऊदी अरेबिया अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहा है, और दूसरा रहने वाला है कि क्या भारत के पास जो कल्चर है, हमारा इतिहास है, क्या उसका इस्तेमाल हम उसके फुल पोटेंशियल पर कर रहे हैं अपने टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए और अपने देश का इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए। मगर आगे बढ़ने से पहले, आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपके पास कोई सजेशन, कोई सुझाव है तो वो भी आप मुझे ईमेल करके बता सकते हैं। अभी जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनका नाम है अल हसन अल दबाग और ये एशिया पैसिफिक में सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं, और ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरीके से सऊदी अरेबिया का टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, बढ़ाया जाए। सो सऊदी अरेबिया और भारत के बीच में हर सप्ताह 275 डायरेक्ट फ्लाइट्स चलते हैं। ये बताता है कि सऊदी अरेबिया और भारत के बीच में रिलेशंस कैसे हैं। और उसके बाद 2023 में लगभग 15 लाख भारतीय सऊदी अरेबिया ट्रैवल करते हैं, जो कि 2022 के मुकाबले 50% एक्स्ट्रा है या ज्यादा है। अब किसी भी देश में जाना या वहां पर ट्रैवल करना आसान कैसे हो सकता है? तो सामने वाला देश जितना अपना वीजा फैसिलिटेशन सेंटर खोलेगा, कहने का मतलब है कि सपोज दैट आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है और भारत में ऑस्ट्रेलिया भारत के हर राज्यों में अगर अपने 10-10 वीजा फैसिलिटेशन सेंटर खोलता है, तो उससे क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया जाने के बारे में या वहां पे क्या नियम कानून फॉलो होते हैं ट्रैवल को लेके, उसके बारे में हमें डायरेक्ट जानकारी वहां से मिल जाएंगी। तो एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही कर रहे हैं सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट की वो अलग अलग शहरों में जो वीजा को लेके जो सवाल जवाब होते हैं उसको वो एड्रेस करना चाहते हैं, ताकि जो भारतीय लोग रहे उनके पास ट्रैवल को लेके या डॉक्यूमेंटेशन को लेके कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब अगली बार अगर सऊदी अरेबिया भारत का तारीफ करता है तो हमें इमोशन में नहीं बहना है, हमें समझना है उसके पीछे का इकोनॉमिक्स। भारत एक बहुत ही बड़ा देश है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल। तो भारत से बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रैवल करते हैं अलग अलग ट्रैवल डेस्टिनेशन में, जिसमें कि सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब कुछ फेवरेट हमारे डेस्टिनेशन स्पॉट हैं। तो उसी चीज को सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट ने भी आइडेंटिफाई किया है और वो और भी प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से भारतीयों को सऊदी अरेबिया में और बुलाया जाए। इसके अलावा भी गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया है वो अलग अलग सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और खास करके वैसे सेक्टर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो लोगों के बीच में काफी फेवरेट है, काफी पॉपुलर है। अब सवाल ये हो सकता है कि आखिर में सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट टूरिज्म को या और भी अलग अलग सेक्टर्स को इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं? तो उसका जवाब है, गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया अपने ऑयल के ऊपर से जो डिपेंडेंसी है उसे कम करना चाहते हैं। वैसे तो क्यों सऊदी अरेबिया ऑयल के ऊपर से अपने डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं, इसके पीछे बहुत लंबा चौड़ा एग्जाम्पल है या इसके ऊपर बातचीत हो सकती है, लेकिन मैं दो एग्जाम्पल्स रखूंगा आप लोगों के सामने। सबसे पहला तो ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है उनके ऊपर प्रेशर आ रहा कि वो किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर फोकस करें, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सक्सेसफुल अगर मार्केट में हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो ऑयल का जो डिमांड है वो घटेगा, और सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमी है, ये इनका जो जीडीपी है वो लगभग 80-90% जो है वो डिपेंडेंट है सिर्फ और सिर्फ ऑयल के ऊपर। तो अगर किसी भी देश का इकोनॉमी अगर 80-90% अगर किसी एक चीज पे डिपेंडेंट रहता है, तो ये बताता है कि वो देश कभी भी कोलैप्स कर सकता है अगर ऑयल का कंजम्पशन घट जाए या कम हो जाए। तो ये दो सबसे बड़ा वजह है कि क्यों सऊदी अरेबिया अलग अलग इंडस्ट्री को, अलग अलग सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं, और इसीलिए भी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको और प्रमोट कर रहे हैं और खास करके उसमें और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ताकि दुनिया भर के जो कॉर्पोरेट ऑफिसेस है वो सऊदी अरेबिया के अलग अलग शहरों में आके अपने ऑफिसेस को खोलें। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया 3 ट्रिलियन से भी अधिक टूरिज्म पे कह लें, या वैसे जगह पे जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, या मोर और लेस हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि जहाँ पे फॉरेनर्स ज्यादा जाते हैं उन सब एरिया को डेवलप कर रहा है, और 2030 के आसपास तक वो
3.2 trillion American dollars का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये बता रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया है वो मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, और खास करके वैसे जगह को प्रमोट किया जा रहा है जो जिसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, जो किसी भी तरीके से सऊदी अरेबिया के कल्चर से कनेक्टेड है। तो ये हमें समझना चाहिए एज एन इंडियन कि क्या सऊदी अरेबिया के पास ज्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस है या उनका कल्चर जो एज एन सऊदी अरेबिया का जो कल्चर है वो इंडियन कल्चर से ज्यादा रिच है। जब मैं इंडियन कल्चर कह रहा हूँ तो यहाँ पे रिलीजन के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट आप समझिए इस चीज को। अगर सऊदी अरेबिया अगर अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहा है, अगर वो अपना हिस्ट्री और अपने कल्चर को प्रमोट कर रहा है, तो क्या भारत के पास अपने हिस्ट्री अपने कल्चर को प्रमोट करने का या करने के बारे में हम नहीं सोच सकते हैं? और अगर हम सोच रहे हैं तो एग्जैक्टली जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका क्या स्टेप्स है जो हमें ग्राउंड पे दिख रहा है या दिख सकता है? पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे मेरा ऐसा मानना है कि हमारा हिस्टोरिकल प्लेसेस है, हिस्टोरिकल साइट्स है, वो कम नहीं है, बट मैंने कितनी बार ऐसा विटनेस किया है कि जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो मिसमैनेजमेंट के कारण जो टूरिस्ट आते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं वो जो एक प्रमोशन मिलना चाहिए हमारे कल्चर को, हमारे हिस्ट्री को, वो मिल नहीं पाता है। तो पॉसिबली इसका नुकसान हमें एज एन इकोनॉमिक नुकसान हम देखते हैं जो कि शायद हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, जो कि हमें करना चाहिए। अब कितनी बार क्या होता है ना कि सपोज दैट आपको दिल्ली से आपको रशिया जाना है, आपकी फ्लाइट का जो रूट है वो वाया सऊदी अरेबिया होता है, तो कितनी बार क्या होता है कि जो फ्लाइट जहां पे रुकती है कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, वहां पे आपके पास ये परमिशन नहीं होता है कि आप वो देश जाके घूमो वीजा रेगुलेशंस और भी कुछ रेगुलेशंस से। लेकिन सऊदी अरेबिया अपने ट्रैवल नॉर्म्स, ट्रैवल नियम को वो बदल रहे हैं। अगर आपके फ्लाइट का वहां पे सऊदी अरेबिया में स्टॉप ओवर है तो आप सऊदी अरेबिया में 96 आवर्स तक आप घूम सकते हो, और जब आप किसी भी शहर में या किसी भी जब आप देश में घूमते हो तो कहीं ना कहीं आप पैसे खर्च करते हो, तो वो जो पैसा होता है वो उस देश का इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है। तो इन सब चीज़ों से हमें समझ में आ रहा है कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया है वो बहुत ही डेडिकेटेड और प्लान्ड तरीके से टूरिज्म इंडस्ट्री और अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहा है। अगर मैं आप लोगों को मैप में दिखाऊं तो ये है सऊदी अरेबिया और ये है रेड सी। अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूं तो आपको ये सब आइलैंड्स दिख जाएंगे। ये सब आइलैंड्स लगभग 90 आइलैंड्स है जिसको कि सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट प्रमोट कर रहे हैं एज एन होटल कह लें, एज एन रिजॉर्ट कह लें। तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स है ना जिसको देख के हम समझ सकते हैं अगर सामने वाला देश अपने कल्चर को, अपने इकोनॉमी को या वैसे आइलैंड्स को प्रमोट कर रहा है जहां से उन्हें ये लगता है कि टूरिस्ट उन सब जगहों पे वो आएंगे और उनको अच्छा लगेगा। सो इन सब पूरे चीजों को देख के हमें ये चीज तो समझ में आता है कि जो दुनिया है वो भारतीय लोगों का फायदा उठाते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम एक कंज्यूमर कंट्री बन जाते हैं, और जो हमें सीखना चाहिए सामने वाले देश से शायद हम सीखते नहीं है, या तो हम ये सोचते हैं कि ये तो बस सेंटर का जिम्मेदारी है अपने टूरिज्म को प्रमोट करने का, और इसमें कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं वो बेनिफिट ले जाते हैं, अपने फायदे के लिए बेनिफिट ले जाते हैं, लेकिन एज एन भारत, एज एन हमारे जो इकोनॉमी है उसमें कोई खास कॉन्ट्रीब्यूट हम नहीं कर पा रहे हैं अभी भी टूरिज्म इंडस्ट्री में। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।